न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। लोकतंत्र के महाकुंभ, जी हां महाकुंभ कहेंगे, क्योंकि ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंधवा के जनपद पंचायत के कार्यालय की है, जहां पर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग अपने फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख पर ये भीड़ जो नजर आ रही है आपको, ये उसी भीड़ का स्वरूप है जहां पर लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए फॉर्म निर्देशन पत्र जो है जमा कर रहे हैं। ये आज की अंतिम तिथि है और इसके बाद आज पंचायत चुनाव के फॉर्म भरे जाने की आखिरी तारीख खत्म हो जाएगी। 3 बजे का समय है और ये भी मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं अपने अपने फॉर्म जमा करने के लिए जद्दोजहद में भीड़ में खड़े हैं। 3 बजे का आखिरी समय है और यहाँ पर लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि चुनने का मौका दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। वही दूसरी ओर आपको ये भी बताते चलें कि आज की तारीख के बाद कल फॉर्म जो है जांचे जाएंगे और उसके बाद 10 तारीख की वो अंतिम तिथि होगी जहां पर अपने अपने प्रत्याशी वो जो फॉर्म निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। अब ये तस्वीर आपको लोकतंत्र के महाकुंभ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर उम्मीदवार अपना अपना उम्मीदवार चुन सकता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। किस तरीके से आप इस पंचायत चुनाव को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर, पंचायत चुनाव तो इस बार थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन देर तक आए हैं और अच्छे से होंगे और सभी वोटरों से मेरी विनती है कि अच्छे से अच्छे और अच्छे अच्छे कैंडिडेटों को चुनने की कोशिश करें ताकि विकास का कार्य आगे बढ़ सके। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर? एक्चुअली सर, ये जो चुनाव हो रहे हैं इस बार काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इस बार युवा काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है और हमारी महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति है, मतलब भागीदारी बढ़ने से अपने देश का निश्चित ही उच्च होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से इस देश का, इस गांव का, इस शहर का निश्चित ही विकास होगा, क्योंकि इस बार देर से चुनाव हुए हैं, आरक्षण को लेकर काफी सारा मुद्दा गर्म रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि काफी उत्साह का माहौल है, युवाओं में काफी उत्साह का माहौल है। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं, ये पंचायत चुनाव की तस्वीर जहां पर सेंधवा जनपद कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ जमा है। यहां पर अधिकारी बैठे हैं, अंदर फॉर्म निर्देशन पत्र जमा कर रहे हैं और ये आखिरी तारीख है। अब न्यूज़ लीडर आज आपसे ये अपील करता है कि अपने मत का सही उपयोग करें। जी हां, अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि बीते 2014 से लेकर 2022 तक के अब तक के पंच सरपंचों पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि बड़वानी जिला मध्य प्रदेश में दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जी हां, आपको बता दें 327 मामले दर्ज हैं और सेंधवा जनपद पंचायत में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि पंच सरपंचों पर बाकी चल रही है। तो आपके मताधिकार का सही उपयोग करें, आप अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आप जिसे चुनोगे वही आपका जनप्रतिनिधि बनेगा। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताते चलें कि पंचायत चुनाव की आखिरी तारीख है और यहां लोगों का हुजूम है। अपने मत का सही उपयोग करके सही उम्मीदवार को चुने और सही पंच सरपंच और अपना उम्मीदवार बनाएं।